अनेक स्वरूप अपने भक्तों के लिए ग्रहण करते हैं। 24 अवतार ही नहीं है, भागवत जी में लिखा अवतारा यसंख्या, अवतार भगवान के असंख्य हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। श्री ठाकुर जी आ गए और आकर के श्री ठाकुर जी ने कहा गाड़ी वाले गाड़ी ने एक डाट जी जरा हमें भी बिठा ले, गाड़ी वाले गाड़ी ने एक डाट जी जरा हमें भी बिठा ले, जा रही है गाड़ी जीते उत ही मुझे जाना, गाड़ी जीते उत ही मुझे जाना, काम है जरूरी थोड़ी दूर का ठिकाना है, काम है जरूरी थोड़ी दूर का ठिकाना, थक गया हूँ चलते चलते बाट जी जरा हमें भी बिठा ले, थक गया हूँ चलते चलते बाट जी जरा हमें भी बिठा ले। नरसिंह जी ने कहा आपको गाड़ी चलती हुई दिखाई पड़ रही है क्या? अरे गाड़ी के सब ठाट बिखर गए और ऐसी गाड़ी में आप बैठेंगे? गाड़ी के बिखरे सारे ठाट जी तुम्हें कैसे बिठा ले, गाड़ी के बिखरे सारे ठाट जी तुम्हें कैसे बिठा ले, गाड़ी है पुरानी या में बैठे 16 सूर है, गाड़ी है पुरानी या में बैठे 16 सूर है, बैल भी कमजोर हमें जाना अभी दूर है, बैल भी कमजोर हमें जाना अभी दूर है, ना ही तो मैं कैसे जा तो नाट जी कहो कैसे बिठा ले, ना ही तो जा तो कैसे नाट जी कहो कैसे बिठा रहे। नरसी जी ने कहा गाड़ी के ठाट बिगड़े हुए हैं और आप कैसे बैठेंगे इसमें, और 16 सूरदास सवारी के रूप में यही समस्या बने हुए हैं, आपको कैसे बिठावें? ठाकुर जी ने कहा सबकी बिगड़ी बनाना ये हमारा ठेका है, अपने जनों की बिगड़ी टूटी गाड़ी को सुधार देना बना देना यही हमारा धंधा है, गाड़ी तो बनाना मेरा खेल जैसा काम है, जाती हूँ खाती मालिक कृष्णा मेरा नाम है, मेरा नाम कृष्णा खाती है, गाड़ी की तो चिंता जाऊं चाट जी अगर हमें भी बिठा ले, गाड़ी की तो चिंता जाऊं चाट जी अगर हमें भी बिठा ले, हमें बिठा लो तो गाड़ी की चिंता को मैं चाट जाऊंगा। ठाकुर जी ने अपनी पोटरी खोली, उसमें से नहरनी वसूली जो कछु होती है औजार, सारे औजार ठाकुर जी ने निकाले। ये औजार निकालना तो इनका नाटक है, जिनके संकल्प से तमाम ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है वो भगवान के चाहने से गाड़ी न बन पावे ये कहां तक संभव है? भगवान के छूते ही गाड़ी तो दिव्य हो गई, महाराज गाड़ी नहीं गाड़ी ही पुष्पक विमान हो गई। पुष्पक विमान की विशेषता जानते हैं? सब लोग बैठ जाएं, हजार लाख करोड़ लोग भी उसमें बैठ जाएं तो भी उसमें एक सीट खाली रहती है, पुष्पक विमान वो कभी छोटा नहीं पड़ता। भगवान के छूने से नरसिंह जी की गाड़ी ही पुष्पक विमान के जैसी हो गई। अब 16 सूरदास नहीं, अब सब बैठ गए उसमें, फिर भी एक सीट खाली रह गई। नरसिंह जी बोले खाली सीट पर आप बैठ जाओ। ठाकुर जी बोले देखो नरसिंह जी, पिछली सीट पर हमको बिठाओगे तो घाटे में रहोगे। हाँ, ठाकुर जी को कोई पिछली सीट पर नहीं बिठाना, तब क्या? बोले इस गाड़ी की बागडोर हमारे हाथ में दे देकर फायदे में रहोगे, अब पीछे बिठाने में घाटे में रहोगे। अच्छा कृष्णा खाती जी,
आप बैलगाड़ी चलाना भी जानते? अरे बोले हमसे बढ़िया गाड़ी हांकना और किसको आएगा। परमानेंट सारथी हैं अर्जुन के। व्यास जी इतिहास में तीन का ही सारथी कर्म भगवान ने किया है। अर्जुन के रथवान भगवान बने, अर्जुन का रथा का। दूसरे भक्त गुजरात में ही हुए, रामदास बोढ़ाणा, जिनके लिए नाभाजी ने कहा रामदास के सदन राय रणछोड़ से पधारे। रणछोड़ राय जी उनकी गाड़ी में बैठ करके आए, उसमें भी ठाकुर जी ने गाड़ी हांकी। डाकोर जी में आज भी मंदिर में वो लीला अंकित है, ठाकुर जी गाड़ी हांक रहे हैं। और तीसरे भक्त हैं जिनकी गाड़ी ठाकुर जी ने हांकी, वे हैं भक्त राज श्री नरसिंह मेहता। भैया अपने जीवन रथ की बागडोर श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ, इससे उत्तम फायदे का काम और कोई दूसरा। ठाकुर जी ने कहा फायदे में रहोगे, ये डोरी भगवान को सौंप दो, ये घोड़ों की रास भगवान के हाथ में सौंप दो। भगवान खुद कह रहे हैं जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। यही डोरियां हैं, इन डोरियों को भगवान के हाथ में सौंप दो। अब तो भगवान बैठ गए गाड़ी वान की जगह पर, गाड़ी हांकने वाली सीट पर, ड्राइवर वाली सीट पर ठाकुर जी बैठ गए। और ठाकुर जी ने जैसी टिक टिक करके उन वृषभों का स्पर्श किया, महाराज वो तो गरुड़ जी को लज्जित करने वाले हो गए, एकदम युवा वृषभ हो गए। और गाड़ी कितने जल्दी अंजार के निकट पहुंच गई नहीं कहा जा सकता। महाराज जी नरसिंह जी संकोच में पड़ गए, नरसिंह जी संकोच में पड़ गए। बोले कृष्णा खाती जी, आपने हमारी टूटी गाड़ी बना दी और हमको अपने मुकाम के निकट भी पहुंचा दिया, किंतु क्या कहें, हमारे पास तुम्हें पारिश्रमिक के रूप में, मेहनताने के रूप में देने के लिए कुछ भी नहीं है। श्री ठाकुर जी ने कहा जो हमसे लेन देन का व्यापार करते हैं उनके पास तो हम जाते भी नहीं, हाँ हम तो उसी के पास जाते हैं जो लेन देन का व्यापार हमसे नहीं करता है। नरसिंह जी आपके पास कुछ नहीं है, आप झूठ बोलते हैं। हाँ महाराज कुछ नहीं है, आपके पास आपके सांवरिया का प्रेम है कि नहीं, बोले है, भजन है कि नहीं, बोले है। तो महाराज आपको संकोच है तो दो चार भजन हमको सुना दो, हमारी तो उसी में मजदूरी पूरी हो जाएगी। हा हा नामदेव जी ने भी यही कहा, बैठिया प्रीति मजूरी मांगे। श्री ठाकुर जी मजदूरी मांगते हैं, काय की प्रेम की मजदूरी। वो मजदूरी आपके पास देने की सामर्थ्य हो तो आप दे दो। नरसिंह जी बोले एक भजन दो भजन नहीं, जीवन भर हमारे पास ही रहो और भजन ही सुनो, क्योंकि हमारे पास भजन गाने के अलावा, कीर्तन भजन के अलावा दूसरा कोई काम ही हमारे जीवन में नहीं है। ये तो जबरदस्ती घसीट कर संसार का व्यवहार हमसे कोई किसी के द्वारा कराया जा रहा है, मेरी उसमें रंच मात्र भी प्रवृत्ति नहीं। और अब फिर ठाकुर जी कैसी कृपा करते हैं इसकी चर्चा हम कल करेंगे।